नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ। यूपी ट्रिपल एससी की अपडेट है ये। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं के बारे में ये अपडेट है। इसमें दोस्तों मैं आपको मंडी परिषद परीक्षा तिथि के बारे में बताऊंगा और लोअर पीसीएस चकबंदी अधिकारी की परीक्षा तिथि के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे वीडियो में मेरे, जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उस पर आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर मंडी परिषद की परीक्षा तिथि के बारे में कुछ बताइए, लोअर पीसीएस की एग्जाम कब तक होगा, इसका सिलेबस कब तक आएगा, इत्यादि प्रश्न आप लोग पूछ रहे थे। तो दोस्तों, इसी पर आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सीपी स्मार्ट क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को देखिए, यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना होता है, इस रेड बटन को क्लिक करना होता है। इस क्लिक करने के बाद जब रेड बटन आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपको दूसरी स्क्रीन आती है, वो इस तरह की आती है, एक ये बेल आइकन आ जाता है, इसको भी आपको क्लिक करना होता है जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते हैं। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो अब। दोस्तों, जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है यूपी ट्रिपल एससी से, वो है मंडी परिषद की परीक्षा तिथि के बारे में निकल के आ रही है ये न्यूज़। दोस्तों, अभी तक इसकी न्यूज़ जो एक थी कि एक्सपेक्टेड डेट जो थी मंडी परिषद परीक्षा की जो तिथि थी वो 7 अप्रैल थी। 7 अप्रैल इसकी डेट एक्सपेक्ट की जा रही थी कि इस डेट को परीक्षा होगा, लेकिन इस डेट को बदल दिया गया है। अब इस डेट को 31 मई कर दिया गया है। दोस्तों, याद रखिए, 31 मई, 31 मई इसकी परीक्षा तिथि घोषित की जानी है। 31 मई को आपका एग्जाम होना है और 31 मई में बहुत ज़्यादा समय अब बचा नहीं है। मार्च लगभग लगभग आपका समाप्त है, अप्रैल और मई 2 महीने का आपका पास टाइम बच रहा है इस परीक्षा के लिए। और दूसरी जो न्यूज़ है वो लोअर पीसीएस के लिए है। लोअर पीसीएस की न्यूज़ ये आ रही है कि इसके बारे में जो मीटिंग में डिसीजन लिया जा रहा है कि लोअर पीसीएस का परीक्षा जल्द से जल्द करवाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसकी परीक्षा इलेक्शन के वजह से सारी परीक्षाएं पीछे शिफ्ट हो रही हैं, इसलिए इसकी परीक्षा भी पीछे शिफ्ट हो रही है। इसकी डेट अभी कोई फाइनल नहीं की गई है, लेकिन इसकी डेट जुलाई के लास्ट वीक में, याद रखिए, जुलाई के लास्ट वीक में संभावित है ये परीक्षा। जुलाई के लास्ट वीक के किसी डे में होगी लोअर पीसीएस की परीक्षा, जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी। तो जुलाई तक आपके पास अप्रैल में जून जुलाई 4 महीने का समय है। इसकी तैयारी आप अच्छे से करिए, क्योंकि देखिए लेखपाल की वैकेंसी रिजेक्ट हो चुकी है, नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया है। इलेक्शन के बाद दूसरा नोटिफिकेशन कब आएगा, कितना समय लगेगा, ये सरकार ही जान सकती है, क्योंकि उस पर जांच भी बैठी है। इसलिए चकबंदी अधिकारी की तैयारी आप बहुत अच्छी तरीके से कीजिए। और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस इसका निकालना है अभी, और परीक्षा का जो प्रारूप है और सिलेबस जो है, उन दोनों को अनाउंस करना है, उसके बाद इसकी परीक्षा होगी। इसलिए इसको लेट किया जा रहा है, इसलिए जुलाई में जा रहा है, अदरवाइज ये परीक्षा भी आपकी मई में हो जाती। तो दोस्तों, ये थी अपडेट यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं से संबंधित अपडेट थी ये। दोस्तों, आपको इस तरह के वीडियो चाहिए होंगे, इस तरह की अपडेट आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने जिस तरह से बताया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।